है मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका माय लवली टेरेस गार्डन में। दोस्तों आज जिस प्लांट की हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिसका नाम है डाइफेनबेचिया, जिसे हम डमकेन के नाम से भी जानते हैं। ये इंडोर और आउटडोर दोनों में लगा सकते हैं। अगर हम आउटडोर में लगाते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो डायरेक्ट सनलाइट है वो इस पर ना पड़े। इसकी ऊंचाई दोस्तों अगर हम गमले में लगाते हैं तो 4 से 5 फुट तक हो सकती है, और अगर ज़मीन पर लगाते हैं तो ये प्लांट 8 से 10 फुट का हो जाता है। इसकी पत्तियों का रंग आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का है और उसमें येलो रंग की लाइनें हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आप जानते हैं इस पौधे के लाभ और हानि, तो आइए इस बारे में बात करते हैं। ये पौधा आमतौर पर खूबसूरती बढ़ाने के लिए घर में लगाया जाता है, और इसे लगाने से जो आसपास का वातावरण है वे शुद्ध बनता है, यानी ये एयर प्योरीफायर पौधा है, तो इसे आप घर में ज़रूर लगाएं। और जिस मिट्टी में आप इसे लगाएं, लगाने से पहले आप उसका पीएच जरूर चेक कर लें। तो अब बात करते हैं कि इसे हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये प्लांट मेरा 2 साल पुराना है और इस पर साइकिल गिर गया था और ये टेढ़ा हो चुका है, तो इसको हम अब कटिंग करके ग्रो करेंगे। ये देखिए मैंने इसको बांधा हुआ है। काफ़ी बड़ा भी हो चुका है और इसकी जो पत्तियां हैं दोस्तों उसको मैं काट दूंगी। आप देख सकते हैं कि इसकी रूट्स निकल हुई है ऊपर से। इसमें काफी पानी भरा हुआ है तो इसको अच्छी तरह से मैं साफ कर लूंगी, और जो नीचे नीचे की जो इसकी पत्तियां हैं दोस्तों उसको मैं काट दूंगी। इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों कि जब आप जिस चीज़ से इसे काटें उसे अच्छी तरह से साफ कर लें। और ये देखिए इसकी ये आँखें निकली हुई हैं और रूट्स निकल रही हैं, तो मैं काटूंगी इसको। जब आप इसे काटें तो दोस्तों इसको तिरछा काटें। और इस पे मैं लगाऊंगी दोस्तों एलोवेरा जेल। इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं तो ये इससे गलने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। अब इसके मैं काटूंगी 2 पीस, एक और पीस काटूंगी वो भी तिरछा ही काटूंगी। और इस पे भी मैं लगा दूंगी एलोवेरा जेल। और इसे मैं ढक दूंगी। और जो ये दूसरा पीस है दोस्तों इसे मैं लगाऊंगी कोकोपीट में, जो मैंने पहले तैयार करके रखी हुई है। आप चाहें तो इसको छोटे छोटे पीसों में भी काट सकते हैं दोस्तों। और ऐसे लगाने से दोस्तों उसके बारे से साइड साइड से प्रेस कर दें। और इसे रखी छाया में।
पानी इसमें कुछ टाइम के बाद डालें। चाहे तो आप उसी समय पानी डाल सकते हैं, और इस चीज़ का ध्यान रखें कि नीचे से इसे दो तीन छेद जरूर कर दें ताकि पानी निकलता रहे और ये गले नहीं। तो इसे भी हम के रख देंगे। इस प्लांट की जैसे मैंने काटा है, हम दो तीन इंच की गहराई में इसको लगाएंगे और साइड से प्रेस कर देंगे। इसकी साइड पे डालूंगी मैं कोको पेड ताकि इसमें नमी बनी रहे, और कुछ टाइम के बाद इसमें डालूंगी पानी और इसे मैं रखूंगी छाया में। तो दोस्तों अब आपको मैं दिखाती हूँ कि ये मैंने 6-7 महीने पहले इसकी कटिंग ऐसे ही लगाई थी, तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा पौधा बन चुका है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी जानकारी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, शुक्रिया।